इरिडा जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए और इरिडा पे देखते हैं कि जरा क्या कुछ घटनाक्रम घट रहा है। इरिडा पे आपको बता दें, FY 25 में जो है कंपनी की 25,000 करोड़ रुपए कर्ज के जरिए जुटाने की कंपनी की योजना है और FY 25 में ही करीब 4,500 करोड़ रुपए इक्विटी के जरिए कंपनी जुटाने की योजना बना रही है। फंडिंग अगले 2 से 3 महीनों में, ये आपको बता दें, कर्ज जुटाने की योजना वो पूरी कर ली जाएगी। और आज हम देख रहे हैं थोड़ी सुस्ती देखने को मिल रही है, करीब 0.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। 237-238 ये लेवल देखने को मिल रहा है सर इरिडा के अंदर। क्या भविष्य दिखाई दे रहा है कि अब क्या अभी ये इसी तरह की सुस्ती में चलेगा या फिर एक बार फिर से जो है 300 के आसपास जाने की कोशिश करेगा? विपुल जी, अब एक हैंगओवर स्टॉक पे आ चुका है। प्रमोटर सेलिंग की जो बात चल रही है, जो कंपनी की तरफ से भी निकल के आया न्यूज में भी, वो देखने को मिल रहा है कि हो सकता है थोड़ा स्टेक सेल कंपनी में होता हुआ नजर आए। डोंट नो इसका रीजन क्या है, या फिर जो पैसा जुटाना चाहते हैं हो सकता है स्टेक सेल से भी जुटाना चाहे, पर वो एक बड़ा हैंगओवर स्टॉक के लिए बना रहेगा। और टेक्निकली भी वही डेटा बता रहा है कि थोड़ा हैंगओवर है स्टॉक में और कोई बड़ी तेजी देखने को नहीं मिल रही है। शॉर्ट टर्म के लिए अगर किसी ने लिया है तो 230 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। 230 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वो ब्रिज होता हुआ भी नजर नहीं आ रहा, उसी का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। लॉन्ग टर्म में अभी दिक्कत नहीं है, होल्ड करके चल सकते हैं। लॉन्ग टर्म में अभी भी स्टॉक पॉजिटिव है, पर किसी ने भी शॉर्ट टर्म में लिया है या फिर जो फंड रेजिंग के न्यूज के बाद लिया है तो 230 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना चाहिए। चलिए, 230 रुपए का एक स्टॉप लॉस आपको अवश्य जो है वो मेंटेन करके चलना चाहिए। एक कंपनी और